अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे स्त्रियों और उसके कार्यों से संबंधित मुद्दे और सरोकार से, ठीक है। स्त्रियों से शुरू से ये रहा है, ठीक है, अभाव से रहा है ये चीज़ें, स्त्रियों और उसके कार्य से संबंधित मुद्दों का सरोकार, ठीक है। कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं के कारण श्रम बाजार में स्त्रियों की भागीदारी के अवसरों में कमी आई है। अतः स्त्रियों के हितों की रक्षा के लिए कौशलों को विकसित करने वाले प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। आदमी को मुख्य कमाई करने वाला माना जाता है, ठीक है, और स्त्रियों को कमाई का पूरक गौण समझा जाता है, माना जाता है, भले ही वह एकमात्र कमाने वाली है, तब भी बाजार में उसके सामान्य प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। आधुनिक भारत में स्त्रियों से संबंधित कुछ दूसरे मुद्दे हैं। तनाव, स्वास्थ्य के प्रति पर प्रतिकूल प्रभाव, बिना जेंडर भेदभाव के कार्य स्थलों और सुनिश्चित सुरक्षा, मातृत्व लाभ, बच्चे को देखभाल के लिए सामाजिक सहायता, संवैधानिक अधिकार अधिनियम और सरकारी पहल। यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान सभी क्षेत्रों में पुरुष और स्त्रियों दोनों को समानता की गारंटी देता है। सरकार के किसी भी दफ्तर में रोजगार की नियुक्ति या नियुक्ति संबंधी मामलों में सभी नागरिकों को बराबर अवसर की गारंटी भी शामिल है। यह जाति, पंथ, रंग, प्रजाति, जेंडर आधार पर या किसी रोजगार या दफ्तर के संदर्भ में भेदभाव को रोकता है। यह भी मांग करता है कि महिला मजदूरों को काम करने के लिए मनोवांछित परिस्थितियां दी जाए, अतः किसी भी प्रकार का शोषण से उन्हें बचाया जाए, उनकी शैक्षणिक व आर्थिक प्राप्तियों में सहायता प्रोत्साहन दिया जाए। भारतीय संविधान महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य की शक्तियां प्रदान करता है। साथ ही ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जो महिलाओं के संविधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, जैसे 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, 1951 का बागान श्रम अधिनियम, 1952 का खाद्यान्न अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ESI अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, जो महिलाओं के विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 एक राज्य और के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार नियुक्ति के संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री अधिनियम की धारा 1948, यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री के 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती है तो शिशु सदनों की व्यवस्था करनी चाहिए। 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल के लिए शिशु सदनों का होगा, जिसका प्रबंधन उद्योग को ही करना होगा। अनेक राज्यों को रोजगार की आवश्यकता और महिलाओं की दशा में सुधार लाने की पहल की गई है। श्रम मंत्रालय महिला मजदूरों की समस्याओं से निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। सही समान कार्य, समान प्रकृति के कार्य सुनिश्चित करने हेतु समान वेतन के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया गया है। समान पारिश्रम अधिनियम लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NPA को हाथ में लिया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है तो महिलाओं के काम तथा आर्थिक व उत्पादन गतिविधियों के भागीदारी पर श्रम कानून के पुनरावलोकन करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी समूह भी बनाया गया है। महिलाओं द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले कार्यों एवं डेटाबेस निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा एक परिचयन समिति भी बनाई गई है। पिछले कुछ वर्षों में महिला विकास कार्यक्रमों की मूल अवधारणा में परिवर्तन की पहल हुई है। प्रारंभ के दशकों में महिलाओं संबंधी कार्यक्रम कल्याणकारी दृष्टिकोणों की ओर लक्षित करते, धीरे धीरे ये अवसर भी समानता की तरफ, अंतिम रूप विकास के दृष्टिकोणों पर आधारित है। महिला विकास कार्यक्रम के पूरी तरह से लागू होने पर यह महसूस किया गया कि समुचित लाभ प्राप्त नहीं किए जाने, क्योंकि महिलाएं मानव संसाधन का एक हिस्सा है। यदि भी कुछ क्षेत्रों में महिलाएं की उपलब्धियां प्राप्त, परंतु आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोणों से उन्हें पुरुषों के बजाय बराबर हिस्सेदारी उपलब्ध कराने में अभी काफ़ी श्रम करना पड़ता है। मानसिकता और आधुनिक बनाना होगा। समाज का कार्य के संबंधित स्त्री पुरुष जेंडर की समस्याओं के प्रति जो दृष्टिकोणों से उसमें अकस्मात मुद्दों की समाज के पहुंच में नाटकीय परिवर्तन को देखते हुए छात्रवृत्ति
और नजरिया भी बदलना होगा, सॉरी अभिवृत्ति और नजरिया भी बदलना होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं जो कि कभी विद्यालय में दाखिल नहीं हुई है, विद्यालय छोड़कर चली गई है, को प्राथमिक शिक्षा तक आवासीय विद्यालयों में शिक्षित करने के भारत सरकार की एक योजना है। KGBV में प्रवेश पाने वाली सभी बालिकाएं प्रवेश स्तर पर तैयार करके 6 माह में 1 वर्ष तक हेतु पाठ्यक्रम के अध्ययन करेंगी। इन लड़कियों के लिए KGBV में प्रवेश का स्तर कक्षा 6 है। KGBV में प्रत्येक जिले के पिछड़े हुए खंडों में खोले जा रहे हैं। यह योजना अभी हाल ही में बने भारत सरकार के कानून राइट टू एजुकेशन